नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ, आपने जैसे कि देखा होगा मेरे पहले वाली वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, सिमटेक के इंडिकेटर बल्ब से, उन्हीं बल्ब से रिलेटेड उनको हजार्ड लाइट कैसे बनाएं और हजार्ड वाला फ्रेशर जैसा आपने देखा होगा KTM बाइक्स में, आपने देखा होगा काफ़ी 16 पैटर्न्स में ये हजार्ड फ्लैशर काम करता है, 16 पैटर्न्स में ये इंडिकेटर को ग्लो करता है, जलाता है वो। आज मैं फ्लैशर आपकी बुलेट या किसी भी, आप ये यूनिवर्सल फ्लैशर है, आप किसी भी बाइक में लगा सकते हैं, तो आपको आज मैं दिखाता हूँ। ये मेरे पास बुलेट का 2009 मॉडल है, ओल्ड वाली बुलेट है, इसमें कैसे लगाते हैं वो आज मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगाते हैं इंडिकेटर बल्ब भी और वो हजार्ड फ्लैशर। इसके लिए जो जो सामान चाहिए होगा सब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चाहिए होगा। मैंने आपको बताया ये हजार्ड फ्लैशर ये है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैंने अपनी लोकल मार्केट से लिया है, मेरे मार्केट के करीब सारी होलसेल मार्केट है बाइक की, सारा सामान वहीं मिलता है, मैं वहीं से ख़रीदता हूँ, कुछ भी वैसे ऑनलाइन नहीं मंगाता हूँ मैं। आपको ये चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, इसकी कीमत है 250 रुपीज़, ओनली 250 रुपीज़, डिलीवरी चार्जेस 50-60 रुपीज़ लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये मैं आपको भेज सकता हूँ कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया, ये आप मुझसे बेफिक्र मंगा सकते हैं, ये और लोगों ने मुझसे बहुत चीज़ मंगाई है, आपको मैं बता दूंगा। और ये मेरे पास हैं सिमटेक के बल्ब, इसका भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो पे, और आप वो देख सकते हैं। इसके लिए हमें ये बल्ब चाहिए, LED बल्ब पर ये काम करता है और नॉर्मल बल्ब जो होते हैं उन पर ये ठीक से काम नहीं करता है। स्क्रू ड्राइवर चाहिए, इंसुलेशन टेप चाहिए और ये हजार्ड लाइट चाहिए, वो हजार्ड लाइट का स्विच चाहिए। देखिए उनो मिंडा का मैंने यूज़ किया ये, और हजार्ड हॉर्न हेडलाइट ये स्विच है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंस्टॉलेशन। तो हमें दोस्तों हजार्ड फ्लैशर लगाने के लिए हमें सबसे पहले फ्रंट में आना है, इसके स्क्रू ड्राइवर है से ये वाला स्क्रू खोलेंगे, इसको मैं पहले खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ उसके बाद क्या करना है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास हजार्ड फ्लैशर आ गया, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, देखो वायरिंग का डायग्राम, इसके सिर्फ 4 वायर्स हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो नेगेटिव आ गया, जैसे आपको सब पता है ब्लैक कलर का वायर हर वायरिंग में नेगेटिव ही होता है, ये पॉजिटिव रेड आ गया, ये आपका कहीं भी इसको अर्थ दे सकते हैं, नेगेटिव आप कहीं पर भी दे सकते हैं ग्राउंड, और ये रेड वाला जो है ये आप स्विच के लिए यूज़ करेंगे, ये बैटरी में से आप कहीं से भी करंट ले सकते हैं, वो आपको मैं बता दूंगा, या तो आप बैटरी से डायरेक्ट वायर ले सकते हैं और इसी वायर में आप स्विच लगाएंगे, और ये दोनों लेफ्ट इंडिकेटर में जाएगा, एक किसी भी इंडिकेटर में आप लगा सकती हैं, ये इंडिकेटर का पॉजिटिव आपको देखना पड़ेगा उसमें लगाएंगे, और ये राइट वाला जो है ये किसी भी इंडिकेटर में राइट या लेफ्ट में लगा दें, ये दोनों इंडिकेटर में जाएंगे, दोनों इंडिकेटर के पॉजिटिव में जाएंगे, और ये बैटरी से जाएगा जहाँ से भी आप करंट लेंगे, और ये नेगेटिव आप कहीं भी लगा सकते हैं। आइए मैं आपको इसका कनेक्शन दिखाता हूँ, अब मैं इसमें निकाल कर दिखाऊंगा आपको कि किधर इसका ये इंडिकेटर का कौन सा है वायर, इंडिकेटर का देखो वायर एक इधर आ गया, अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव मैं देखता हूँ, पॉजिटिव जो होता है वो अलग होता है, नेगेटिव कॉमन होता है। देखिए ये इसका ये वाला जो है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव आपको देखना पड़ेगा कौन सा है, उसी में आप इसका कनेक्शन करेंगे, इसका अंदर वायर लगा देंगे। मैं सारे लगा के दिखाता हूँ आपको, पहले मैं लगा दूँ फिर आपको दिखाता हूँ। चाहता हूँ ये मैंने फ्लैशर का कनेक्शन सारे कर दिए हैं, आपको मैं बताता हूँ, देखो ये मैंने लगाया BS4 वाला स्विच हजार्ड फ्लैशर का, और इसका तार इधर वायर्स इधर से निकाल लिया, देखिए ये इधर आ गया, इधर से ये आ गया इधर, देखिए मैंने एक इसका कनेक्शन इधर कर दिया स्विच में, और ये स्विच एक स्विच का वायर काट के ये फ्लैशर में देखिए जा रहा है, और ये दूसरा वायर जो है स्विच का, इसको ये मैंने इसका इग्निशन स्विच है, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से इग्निशन स्विच में इसका करंट आ रहा है, और बाकी मैंने इस इंडिकेटर का पॉजिटिव निकाला, देखिए इंडिकेटर है इसका पॉजिटिव निकाला, ये इधर आ गया, इसके वायर में इसका येलो वाला वायर देखिए ये जोड़ दिया, और ये नेगेटिव ये दूसरे वाले इंडिकेटर का देखिए वायर आया पीछे, इसमें जोड़ दिया, प्लस में जो भी इंडिकेटर का पॉजिटिव है उसमें आप ये वाला येलो वायर कोई भी किधर को भी जोड़ सकते हैं, एक इंडिकेटर के पॉजिटिव में ये येलो जोड़ना है, दूसरे इंडिकेटर के पॉजिटिव में ये जोड़ना है, और अर्थ आप कहीं से भी दे देंगे। देखिए मैंने इसके हेडलाइट की इधर से दे दिया, अभी मैं कनेक्शन पूरे करूँगा, बाकी कनेक्शन पूरे हो गए ये इसको पक्का करूँगा। देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये इग्निशन स्विच का ये है सॉकेट, इसमें करंट आ रहा है, अब मैं इसको देखिए टच करता हूँ, ये स्विच का वायर है, देखिए ये काम करने लगा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए काम कर रहा है, इसमें 16 पैटर्न है, अब इसको पैक करके दिखाऊंगा, देखिए काम कर रहा है, देखिए दोनों एक साथ जल रहा है। अब मैं आपको दूसरा पैटर्न दिखाता हूँ, देखो कैसे जल रहा है, जो ये काम करने लगा, बाकी LED बल्ब जब मैं इसमें लगाऊंगा तब आपको समझ आएगा ये कैसे काम करता है, देखिए
देख रहे हैं, अभी इसमें एलईडी बल्ब लगाने वाला हूँ, फिर आप देखना कनेक्शन आपने समझ ही लिए होंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें एलईडी इंडिकेटर बल्ब लगा लिए हैं। अब मैं इसमें हजार्ड फ्लैशर तो मैंने इंस्टॉल कर ही लिया है, अब मैं आपको बता दूं, ये देखिए मैंने इसका इग्निशन से कनेक्शन किया है, इग्निशन में ऑन करता हूं, ये चलना चालू हो गया। देखिए इसके पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट जो चेंज करना है वो आप इस स्विच को ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे तो ये पैटर्न चेंज हो जाएंगे। देखिए देखिए, ये दूसरा पैटर्न है, देखिए ये अलग तरीके का पैटर्न है। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, ये सर्दी के मौसम के लिए हजार्ड फ्लैशर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि विजिबिलिटी रोड पर कम होती है, तो ये आप चलाकर अगर चलेंगे तो रोड पर अच्छा भी लगेगा और सामने वाले को दूर से दिख जाएगा कि हाँ सामने से कुछ आ रहा है, और बहुत ही अच्छा लगता है ये। और याद रखना, इसको इस फ्लैशर को कभी भी नॉर्मल वाले बल्ब पर नहीं जलाना है, इसको एलईडी बल्ब पर ही चलाना है, क्योंकि वो धीरे धीरे भी ग्लो करते हैं। और बाकी ये बल्ब जो है ये शायद 2 वाट का है और वो 10 वाट का एक होता है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। देखिए स्विच ऑफ करूँगा, बदल गया, ये वाला पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखिए बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों ये लगाना जरूरी है, रोड पर विजिबिलिटी भी ठीक रहती है। देखिए एकदम से फ्लैश करता है, जैसे एरोप्लेन ही जाता होता है ऊपर आसमान में, आपने देखा उसमें भी लाइट फ्लैश करती है, बिल्कुल वैसी देखिए फ्लैश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया हजार्ड फ्लैशर के बारे में, और सिमटेक की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और आपको अगर ये कुछ भी ऑर्डर करना हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी ऐसी मैं और वीडियोस लेकर आता रहूंगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब का रेड बटन दबाना है, उसके आगे नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन करना है, और ऐसी वीडियोस मैं आपको लाकर देता रहूंगा। और वीडियो को शेयर करो, और कोई भी बात हो बुलेट से रिलेटेड, आपको कभी भी कोई परेशानी आए, अब रास्ते में खड़े हो जाओ, अगर बुलेट स्टार्ट नहीं हो रही हो, कुछ परेशानी हो रही हो, तो बुलेट के बारे में मैं आपको हमेशा मदद करूंगा, बेफिक्र बेझिझक मुझे फ़ोन करिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। बाकी आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करो और मैं आपको सपोर्ट करूंगा। थैंक यू।